लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान को जान से मारने की धमकी के बीच बिश्नोई समाज ने जलाया सलमान खान और पिता सलीम खान का पुतला। बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। वहीं बीते दिनों लॉरेंस के कजिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बिश्नोई समाज लॉरेंस के साथ डटकर खड़ा है। वहीं अब शुक्रवार को बिश्नोई समुदाय ने सलमान खान और पिता सलीम खान का पुतला जलाया है। उनकी मांग है कि सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में माफ़ी मांगे। बता दें कि सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि काला हिरण शिकार मामले में उनका बेटा यानी सलमान खान निर्दोष है। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। बताते चले कि हाल ही में बिश्नोई समाज ने जोधपुर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने सलमान खान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि अगर एक्टर काला हिरण शिकार मामले में उनसे माफ़ी नहीं मांगे तो सनातन हिंदू समाज की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। बिश्नोई समाज ने इस प्रदर्शन के दौरान कहा कि सलीम खान ने कहा है कि उनका बेटे ने कोई हिरण का शिकार नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि हम बिश्नोई समाज हैं, किसी को यूं ही बदनाम नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान इस तरह गलत बयान देकर लोगों को झूठ नहीं बोल सकते हैं। बता दें कि सन 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम साथ साथ हैं की राजस्थान में शूटिंग थी। इस शूटिंग के बाद सलमान खान और कुछ सितारों के ऊपर काले हिरण शिकार मामले का आरोप लगाया गया था। हालांकि इस मामले में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया था। हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रखी है और बिश्नोई समाज में सलमान खान का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। वैसे आप सभी का ये पूरी न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और ऐसी ही और इंटरटेनमेंट जगत की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।